अरे सब लोग मारो रे मारो, अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया, भागो भागो भागो। अरे फायर बॉल मार रहा, मर गया यार, अब क्या ही कर सकता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया। वैसे मैं गया कहाँ पे था, गया तो कहीं पर भी नहीं था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीओडी का बैटल रॉयल मोड देखा। मल्टीप्लेयर तो क्या बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं बस ये जॉम्बी मोड का ही गेम प्ले डालने वाला हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। ये एक्चुअली में कुछ दूसरी है, मतलब है तो दूसरे टाइप की दूसरी। अरे कहना क्या चाहते हो, पता चल जाएगा कि मैं क्यों ये दूसरी मैच बोल रहा हूँ, वो आपको आगे वजह पता चल जाएगी। अभी इधर जॉम्बी आते हैं तो उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब पिस्टल से तो कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए एसएमजी उठानी पड़ गई। ये एसएमजी लग रही है मेरे को, एसएमजी है ना, वरना मेरा पोपट हो जाएगा। असॉल्ट राइफल को एसएमजी बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए। और इधर कुछ एनर्जी ड्रिंक अपने को मिलती है, इससे क्या होता है मेरे को इतना कुछ पता नहीं। सॉरी सॉरी यार, शायद उससे अपने को कुछ एबिलिटी मिलती है, लेकिन कॉइंस नहीं है यहाँ से जाने के लिए, इसलिए दूसरी वेव भी हम यहीं पर ही सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक लिफ्ट बंद पड़ी होती है, तो मैं उसको रिपेयर करके नीचे लैब में चला जाता हूँ, ताकि उधर के अंडे फोड़ सकूँ अपने एक टीममेट को, उसकी ज़रूरत थी। और ये इस टीममेट के साथ मैं पहले भी खेल चुका हूँ, मेरे को बस उसका रिएक्शन आपको दिखाना है, कि जब उसको पता चलेगा कि मैं इसके साथ पहले भी एक मैच खेल चुका हूँ, वो भी एग्जैक्ट इसकी पहली, तो इसको क्या मुश्किल होगा। लेकिन हमारे दूसरे दो टीममेटों ने ऊपर सारे जॉम्बीज को मार दिया, जिसकी वजह से नए जॉम्बीज स्पॉन हो गए, हमको वहाँ से भागना पड़ा। इसलिए यहाँ पर जैसे ही आता हूँ, एक जॉम्बी स्वागत करने के लिए खड़ा है। सुस्वागतम, क्या खाओगे, तुम्हारा भेजा या फिर तुम्हारा तंगड़ी कबाब? दोनों में से मुझे कुछ नहीं खाना, मैं शाकाहारी हूँ। और अभी आपको मेरे एक टीममेट का रिएक्शन दिखाता हूँ, जब उसको पता चलेगा कि मैं उसके साथ पहले भी एक मैच खेल चुका हूँ। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे को भी लगा। और मैं वही सोचूं कि हेल्प, पिछली बार किसी ने हेल्प किया जो को समझने में, इस बार भी वापस अचानक लोग हेल्प कर रहे हैं। मैंने पता है इस जुबुको को हरा, दो बार हराने का एक मिशन है, इसके लिए मैंने 50 से ऊपर मैच खेले हैं, लोग हेल्प ही नहीं करते। मैं वही सोचूं दो बार बंदा कैसे हेल्प कर रहा है कोई। नाइस टू मीट यू टू। तुमने तो मैच पहले मैच चालू कर दिया, मैं तुम्हारे मैच में कैसे आ गया? अब मिशन तुम ले लिया था, तो मिशन को स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, ताकि ये दोनों बंदे इधर एंगेज रहे और हम लोग जो है आराम से जाके उधर बॉस को काम करने की सारी प्रक्रिया जादू वादू कर ले। एक्चुअली वो जादू से कम नहीं है। अब ये दोनों इधर ही लड़ते बैठेंगे, बाकी तो आप पर कोई जॉम्बी स्पॉन नहीं होने वाला, इसलिए। और मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों कैसे ऊपर जाने का रास्ता भटक गया। ए भाई, मेरे को कोई ऊपर नहीं लेके जाओ भाई, ऊपर के माले पे लेके जाओ, मेरे को अंडरग्राउंड लैब में जाना है भाई। क्या करना है, कैसे वैसे करके पहुँच गया ऊपर। अरे इतने मैचेस खेले और मैं मैच ये इधर का मैप भूल गया, मैं कैसे हूँ भाई, मैं कैसा प्लेयर हूँ मैं। अब आगे लैब में तो चलो अंडा फोड़ना स्टार्ट करते हैं, इसने तो शुरू भी कर दिया सब कुछ फोड़ना। इधर के अंडे फोड़ने होते हैं यहाँ पर, और फिर ये अपना कुछ स्टार्ट हो जाता है। ओके कर दिया आपने स्टार्ट, अब मिशन होने, ये जो ऊपर मिशन दे रहा है ना, इसके बाद हो जाएगा अपने आप चेंज। तो मैं झट से ऊपर चला गया, क्योंकि टाइम भी कम बचा था और उन दोनों नूबड़ों ने एक भी जॉम्बी नहीं मारा। अबे बेवकूफो, बाहर कहीं नहीं मारना होता है, जिसकी वजह से इधर अभी थोड़ी देर बाद इंटरनो भी स्पॉन होने लग जाएंगे। जितनी ज़्यादा तुम लोग देर लगाओगे, उतने ज़्यादा खतरनाक वाले मॉन्स्टर इधर स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। फाइनली कैसे वैसे करके हम लोगों ने इसको ये कर ही दिया, और इधर चेक करने को कुछ आ रहा था, मैंने चेक किया और पता नहीं मैं कहाँ पे गायब हो गया।
तुम टेलीपोर्ट हो गए क्या कहीं? टेलीपोर्ट होने के बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर इधर ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं, तो उनसे कैसे कैसे बच जाते हैं मशीन गन लगाई के। और यहाँ पर कुछ अलग सा ही मिशन आता है तो मैं उसको स्टार्ट करने चला जाता हूँ। मेरे को लगा बस आंसर देंगे, बस थोड़ी बातचीत होगी और ख़त्म। बाद में पता चलता है वहाँ पर ड्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना है। भाई ड्रोन से ज्यादा हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, उस ड्रोन को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है ज़ॉम्बी। और इनमें इतनी बुद्धि कहाँ से आएगी कि इस ड्रोन को पकड़ सके? ड्रोन से ज़्यादा वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं भाई, क्या मजा है ये देखो। उन लोगों को ड्रोन से कोई लेने देने है ही नहीं, उनको बस हमसे ला लेना देना है। वो देखो कुत्ता मेरे पास आ रहा है, ड्रोन मेरे लेफ्ट में है, कोई लेफ्ट में जाएगा। और उसका कुछ टाइम नहीं हो गया, अगला राउंड स्टार्ट हो गया। हम पिटर में नहीं चाह रहे थे, वहाँ से भाग के आ गया। और ये देख लो भाई, अरे नहीं 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 भागो भागो। और अगर तुम्हारा पॉइंट तो एक और बाय कर लो वहाँ पे ऑप्शन जाके, तो फिर तुम्हारा अपने आप एक प्रॉब्लम है। उस बंदे ने मेरे से आरपीडी मांगी थी, इस आरपीडी देने के चक्कर में ये नमूने आ गए। और ये अभी अभी मेरे साथ कौन सा ग्लिच हुआ अभी देखना, इधर आसपास कोई भी नहीं है ठीक है ना, बहुत दूर खड़े है। और अभी देख लो सारे के सारे रोबोट्स मेरे से इतने दूर थे, ये इतने पास कहाँ से आ गया भाई, ये इतने पास कैसे आ गया? तो उसको मैं अभी एडिटिंग में पता चला, मैंने यहाँ पर आके बस इधर का इलेक्ट्रिक का दरवाजा स्टार्ट किया। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक को मजा देखेगा, एक एक को बिजली का झटका मिलेगा बेटा। आ जाओ आ जाओ, तू भी आ, तू भी आ भाई। वो दोनों बंदे तो उसी घर में जाके बैठ गए। अब ये तो बिजली ही के झटके से मरे रहे थे और ये नए मेहमान भी स्पॉन हो गए और मेरे को भैया घेर लिया। अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, भागो 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 भागो। अरे बाप रे नहीं, इतने सारे ज़ॉम्बीज, नहीं 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 नहीं, मर जा, मरो मरो मरो। अरे इसको बंद हो जा, बंद हो जा, मशीन लगाओ, मशीन गन लगाओ, मशीन गन लगाओ। और ये क्या, बिजली का बिल खत्म। अरे भैया बिजली क्यों बंद हो गई, मैंने बिजली का बिल भरा था। अरे यार ये बिजली विभाग वाले कभी भी बिजली काट देते। और उनसे बचने के बाद कैसे कैसे बच गया, ये दूसरा राउंड लग गया सीधा डायरेक्ट नया। और ये सीधा बॉस राउंड था, हमने जो अंडे उधर फोड़े हैं ना, ये उस अंडों के फोड़ने का बदला लेने आया हमसे। मतलब इस वाले मोड में जाके गेम नहीं खेले पर तुम वही हो जिसने मेरे को बोला था कि भाई मैंने अभी अभी डाउनलोड किया। वैसे मैं एक सलाह देना चाहूँगा, मैं जैसे इससे चिपक चिपक के लड़ रहा हूँ ना, वैसे आप मत लड़ना वरना पिट जाओगे। क्यों वो पता चलेगा, कैसे पिटोगे क्यों पिटोगे। ये देखो मेरे को मारने आ रहा है चचा, मेरे को छोड़ दो चचा, छोड़ दो इतना हाथ मत चलाओ, हाथ दुख जाएगा चचा। ये लो मेरे मेरा पीछे छोड़ दिया। ये क्या, अरे रूट, अरे एक बंदे नॉक हो गया, उसको रिवाइव करो, रिवाइव रिवाइव रिवाइव। अरे मेरे को जकड़ लिया, अबे छोड़ दे, बच गया बच गया। और ये क्या, आग लगा दी और उसके पीछे चला गया। देख लो अब उसको छोड़ के, अरे मेरे पीछे, ये देख लो मेरे पीछे आ रहा है। अरे चचा मेरे पीछे कब तक भागते रहोगे, थक जाओगे, एक जगह बैठ जाओ। और ये ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे हैं वो अलग से, अरे मारो इसको मारो। ये देख लो अब क्या कर रहे हैं, ये देख लो उसके पीछे, अगर इसका एक मुक्का भी पड़ा ना इस टाइम पे तो सीधा नॉक हो, तुम्हारी शील्ड नहीं टूटेगी, तुम 1 HP भी नहीं बचोगे, सीधा खत्म हो जाओगे अगर इसके मुक्के से बच नहीं सके तो। मैंने सीधा आरपीडी निकाल दी और इसने कुछ रूट्स निकाल दिए जिसकी वजह से भैया मेरा बैंड बच गया। अब मैं रिवाइव तो नहीं हो सकता, तो गिव अप किया और वापस स्पॉन हो गया। मेरे को लगा इसको मार सकता हूँ क्योंकि इसकी हेल्थ अभी ज़्यादा बची नहीं है, तो हम इसने हमारे एक टीममेट को बांध दिया, मैंने उसको छुड़वा लिया।
और सीधा दूसरों को मारने, और इस बार मेरे पीछे जो पड़ा उसके आग के गोलों से मैं बच नहीं पाया। मुझे लगा गेम खत्म, अब बस हमारे हाथ में स्पेक्टेट करने बचा है, उसके अलावा अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस अब हम लोगों के हाथ में इसका तमाशा देखो यही बचा था। ये मार रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, ये मरेगा या इन दोनों को मारेगा। लेकिन अचानक रिस्पॉन हो गया भाई, ये कैसे मेरे सारे रिवाइव टोकन खत्म हो गए और मेरी रिस्पॉन हो गया, और मेरे पास ज़्यादा कॉइन्स थी, M4 तो नहीं, लेकिन ये गन मिल गई और इससे भी उसको मारना शुरू किया। और फाइनली बस बस ऐसा करता है कि पूरी टीम को नहीं मारना, वरना गेम खत्म हो जाता है, वरना तो रिस्पॉन होते ही रहते हैं बार बार। तो दोस्तों मैं जानता हूँ वीडियो आने में थोड़ी देरी लग रही है, लेकिन अगली बार मैं वीडियो टाइम पर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।